हेलो, मेरा नाम जैमिन है, जैमिन ठक्कर। और बेसिकली मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। और जहाँ तक थिएटर की बात करूँ तो मुझे करीब 10 साल के आसपास का थिएटर का एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मेरी शुरुआत जो है वो 2002 में हुई थी। 2002 से 2005 तक जो गुजराती शेरी नाटक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीट प्ले, उससे हुई थी। उसके बाद वो छूट गया। एंड देन 2012 से दिल्ली में मैंने शुरू किया वापस थिएटर। मैंने वहाँ पे क्लाउनिंग भी किया, क्लाउनिंग में ट्रेनिंग ली। एंड देन मैं मुंबई आया, मुंबई 2015 में, 2015। तो मुंबई में देन कंटिन्यूसली एज एन एक्टर, मैं बतौर एक्टर और उसके अलावा प्रोडक्शन प्रोडक्शन मैनेजर, स्टेज मैनेजर, और शुरुआत जैसे बैक स्टेज से हम करते हैं, तो वही मुंबई में आके वापस बैक स्टेज से कहानी शुरू हुई और वो चलती रहती है अभी भी। तो जहाँ तक प्रॉब्लम की बात करें, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आई गेस हर इंडस्ट्री में होती है। बट लाइक जैसे मैंने शुरुआत में तो ऐसे शौकिया तौर पे कर लिया था जब अहमदाबाद में शुरू किया था। जब दिल्ली में गया तो इनिशियली ये प्रॉब्लम थी मेरे लिए कि जेन्यून पर्सन कौन है जिसको मैं अप्रोच करूँ, क्योंकि मैं आर्ट फॉर्म से बिलोंग नहीं करता था। तो मुझे नहीं पता था कि कौन जेन्यून है कौन नहीं है। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं रहा था। मैं ऐसे ही था कि नहीं, मुझे करना है, और इस तरीके से मैंने शुरू किया था। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू में हुई थी। एंड देन धीरे 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 लात खाते 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 मैंने काम करना शुरू किया, दिल्ली में किया। जब 2015 में मैं मुंबई में आया तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट था मेरा, तो जर्नी थोड़ी सी आसान रही, बट इतनी भी आसान नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे भी आके एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ के जो थिएटर सर्कल बोलते हैं या जो थिएटर है मुंबई में, तो उनको ये एटलीस्ट मालूम करवाना कि भाई जयमीन करके भी कोई एक्टर अब है यहाँ पे जो काम करना चाहता है, जो आप सबके साथ कोलाबरेट करना चाहता है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि कौन जयमीन है कौन। और मुझे भी, क्योंकि मैं भी नया था, तो मुझे भी नहीं पता था कि कौन कौन राइटर है या कौन कौन डायरेक्टर है। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो हाँ चलो, एक दो नाम अगर जो मुझे पहले से पता हो, जो मैं दिल्ली से आया हूँ तब मुझे जो पता हो बस वही मुझे वही पता है। बट देन देर आर लॉट ऑफ अदर गुड डायरेक्टर्स एंड गुड राइटर्स वो वर्किंग। सो वो एक जो सर्च थी, या वो जो एक सर्च है, या जिसके थ्रू मैं लोगों को कनेक्ट करूँ या कोई भी मुझे कनेक्ट करे, तो उस तरीके की एक प्रॉब्लम है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है हम थिएटर वालों के बीच में या अंदर या जो भी बोलो, वो चाहे वो एज एन एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सेट डिजाइनर हो, म्यूजिशियन हो, तो किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म अगर हम इसको एक यूनियन में बोले, तो एक प्लेटफॉर्म है थिएटर मैनेजमेंट कंपनी। तो ये दिस वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च 2022 को एक इनिशिएटिव लेकर आ रही है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर, नॉट सिर्फ आप नहीं, हम सब मिलकर हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़े इस इनिशिएटिव में। अपना जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप कंट्रीब्यूट करें अपने आप को, या अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करें वहाँ पे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। एंड आई होप कि ये जो कंपनी है उसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ आगे और बढ़कर काम कर पाएंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।